रेवाड़ी में कंपनी कर्मचारियों को लेकर जा रही निजी बस की ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में सवार दो कंपनी कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी। क्या नाम आपका? दिनेश शर्मा। दिनेश जी, ये जो एक्सीडेंट हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, किन लोगों की मौत हुई? कंपनी के 2 एम्प्लॉइज की मौत हुई, जैसे 5 घायल हुए। तो जो इनकी मौत हुई है, एक आशीष कुमार है और एक अजय कुमार है, दोनों मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करते थे, इंजीनियर। कैसे ये घटना? कंपनी की सी शिफ्ट खत्म होके वो लेके जा रही थी सी शिफ्ट को रिवाड़ी, कंपनी की गाड़ी, तो उसमें काफ़ी लोग बैठे हुए थे। जो ट्रक था वो दूसरी तरफ से, जयपुर की तरफ से आ रहा था। कोई ट्रक रास्ते में ख़राब हुआ खड़ा था, उसको उस ट्रक ने हिट किया। जो ट्रक आ रहा था वो बहुत स्पीड पे था, तो उसने हिट करके वो इम्बैलेंस होकर ट्रक पटड़ी क्रॉस करके बस के बीचों बीच ट्रक को हिट किया। क्या दोनों की मौके पर ही मौत होगी? हाँ, एक की तो मौके पर मौत होगी थी, आशीष की। दूसरों को वो बस के नीचे दब गया था, उसको निकाल के जब ले जाने लगे हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल से पहले मौत हो गई। सर, ये जो दुर्घटना हुई बस और ट्रक की, तो क्या किस प्रकार से हादसा हुआ? ये कोई एक ट्रक था जो अनबैलेंस हो गया और उसने पहले एक ट्रक में टक्कर मारी, उसके बाद वो डिवाइडर क्रॉस करके ये बस जा रही थी, जो कंपनी की इस बस में टकराया, इससे बस पलट गई और उस बस में नीचे दबने से एक्सपायर हो गया। कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने की मौत हुई? अभी 2 एक्सपायर हो गए और अभी पता कर रहे हैं टोटल कितने इंजर्ड हुए। ठीक है। और क्या जो आरोपी ट्रक चालक था जिसने टक्कर मारी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया या भाग गया? अपना ट्रक छोड़ के भाग गया, मौके से भाग गया। हाँ, ठीक।